नमस्कार, झारखंड अपडेट्स में आपका स्वागत है और गुरपूरब दी सबनू लख लख वदाइया। आज गुरपूरब है यानी कि प्रकाश उत्सव, जो कि गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस साल वो 551वां जन्म दिवस है। गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिखिज़्म के फाउंडर हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, जिनका एक ही मकसद था पीस एंड हार्मनी सब में होना चाहिए, सब में शांति और आपसी एकता होनी चाहिए। एक ऐसे रिलीजन की शुरुआत करी थी गुरु नानक देव जी ने। आज हम लोग यहाँ गुरु नानक स्कूल में खड़े हैं, जहाँ पे इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है। यहाँ पे पाठ रखा गया है, नगर कीर्तन हो रहे हैं, कथा कही जा रही है और बाद में उसके बाद लंगर की भी सेवा यहाँ पे की जाएगी। हालांकि कोरोना को देखते हुए उतने बड़े स्तर पर नहीं इस बार किया जा रहा है, तो लोगों से कमेटियों ने गुजारिश की थी कि वो ज़्यादा ना आए, यहाँ पे भीड़ ना बढ़ाएं और कम ही संख्या में यहाँ पे लोग आए, क्योंकि कोरोना को देखते हुए इवन का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये सुझाव दिया गया था कि भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पूरी तरीके से। तो उन सबको ख्याल रखते हुए यहाँ पे गुरपुरब की ऑर्गेनाइज किया गया है। गुरपुरब की अगर हम बात करें तो इसको मनाने के लिए इसकी शुरुआत 15 दिन पहले से ही की जाती है, जब प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी में क्या होता है कि गुरुद्वारे से एक प्रोसेशन निकलता है, जो कि आपस की लोकेलिटीज़ में घूमते हैं, वाहे गुरु का नाम लेते हुए, गुरु नानक जी का नाम लेते हुए निकलते हैं। दो दिन पहले अखंड पाठ की शुरुआत की जाती है सभी गुरुद्वारों में, फिर एक दिन पहले नगर कीर्तन निकाला जाता है, जो कि गुरुद्वारे में जो निशान साहिब होते हैं और जो पालकी होती है उसको लेकर निकाला जाता है, गुरुद्वारे से लेकर लोकेलिटीज़ में उनको कम्युनिटीज़ के बीच में ले जाया जाता है, वाहे गुरु जी का नाम लेते हुए, नानक साहब का नाम लेते हुए उनको प्रोसेशन को लिया जाता है। उसके बाद जिस दिन अमृत वेला की शुरुआत होती है वो बिल्कुल सुबह सुबह हो जाती है, जब गुरुद्वारों में कथा और कीर्तन की शुरुआत होती है। यहाँ पे गुरु नानक स्कूल जो रांची में है, यहाँ पे भी इसी की शुरुआत हुई है। यहाँ पे क्योंकि ये ग्राउंड बड़ा है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है और हर साल यहीं पे लंगर और निशान साहिब की यहीं पे होती है, तो इस बार भी यहीं पे की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए पूरी इंतज़ाम किए गए हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है, थर्मल टेम्परेचर लिया जा रहा है और अंदर भी ज़्यादा भीड़ में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो सिखों का ये एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि आज मनाया जा रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे सिख जो हैं आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं अपने गुरु जी का। हो रोग सब जगत लिया पिया, हर साल की भांति इस बार भी गुरु पर्व के इस 551 जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपको और सिख समुदाय के सभी लोगों बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। हमारे सिख समुदाय के लोगों ने इस संक्रमण में, इस प्रदेश में जो अपनी योगदान दी है, मुझे लगता है ये भी एक राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। अभी मैं ललपनिया जा रहा हूं, जहां हमारे आदिवासी भाइयों का एक तीर्थ स्थल है, जहां हर साल पूरे देश के विभिन्न कोनों से वहां पर लोग एकत्रित होते हैं और अपनी आस्था को मजबूत करते हैं।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को। जितने भी लोग यहाँ श्रद्धालु आए हैं, आप लोगों के ऊपर भी ये आशीर्वाद बना रहे और हम यूं ही सदियों जिस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ते आए हैं और यहाँ तक चले हैं, आगे भी चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। हम गुरपुरब मना रहे हैं और अपने सभी सिख भाइयों एवं बहनों को उसकी लख लख बधाइयां दे रहे हैं। आप हमारे साथ झारखंड अपडेट से जुड़े रह सकते हैं। हम और भी वीडियोस आपके करीब लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर जुड़े रह सकते हैं और हमारे वीडियोज़ और हमारे जो भी पोस्ट होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।